चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। विधानसभा चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। जाने किन राज्यों में होने हैं चुनाव। इस साल फरवरी में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनकी तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। आपको बता दें, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग आज दोपहर 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जहां चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। बता दें कि इन तीनों विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। ऐसे में फरवरी में इन तीनों राज्यों में चुनाव कराए जाएंगे। पिछले दिनों चुनाव आयोग की टीम ने नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा का दौरा भी किया था। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने इस दौरान केंद्रीय सुरक्षा बल से संपर्क भी किया। इन तीनों राज्यों की स्थिति को परखने के बाद अब चुनाव आयोग इन राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। दरअसल नागालैंड विधानसभा का कार्यकाल इस साल 12 मार्च को खत्म होने वाला है, जबकि मेघालय का 15 और त्रिपुरा का कार्यकाल 22 मार्च को खत्म होगा। ऐसे में इससे पहले इन राज्यों में नई सरकार का गठन करना होगा। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया था। पूर्वोत्तर के इन 3 चुनावी राज्यों में आयोग ने 4 दिवसीय दौरा किया था। इस दौरे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के साथ दोनों आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल भी मौजूद थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने तीनों राज्यों में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशकों के साथ साथ राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के साथ भी बैठक की थी। चुनाव आयोग के अधिकारी सबसे पहले 11 जनवरी को त्रिपुरा पहुंचे थे, यहां से नागालैंड और फिर बाद में मेघालय का दौरा किया गया था। आपको बता दें कि अभी त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, जहां माणिक शाह मुख्यमंत्री हैं, जबकि यहां इस बार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी मजबूत दावेदारी पेश करती नजर आ रही है। वहीं मेघालय में 2018 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सरकार बनाने में विफल रही थी। इसके बाद बीजेपी ने नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ गठबंधन किया और अभी एनपीपी नेता कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री हैं, जबकि नागालैंड में भी बीजेपी एनडीपीपी यानी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ मिलकर सरकार में है। आपको बता दें कि इस साल कुल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के अलावा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होंगे। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा को नवंबर 2018 से भंग कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर में होने वाला ये चुनाव 2014 के बाद पहला चुनाव होगा और केंद्र के द्वारा आर्टिकल 370 को रद्द करने और 2019 में राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद ये पहला चुनाव होगा। संभावना है कि अप्रैल मई में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।